एकता एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी औरंगाबाद, इनके तरफ से होने वाले एडवोकेट एजी देशमुख मेमोरियल स्कॉलरशिप की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में उपस्थित हमारे दोस्त अब जालना जिला राष्ट्रवादी के अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर निसार देशमुख साहब, वो एडवोकेट किसको तो बोला था इसलिए मुझे वही मेरे दिमाग में आ गए। ये कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दोस्त मुकिम देशमुख साहब, शिक्षण अधिकारी एजुकेशन ऑफिसर आप जयसवाल साहब, बीबी चव्हाण साहब, हमारे दोस्त वाजी जागीदार जी, खास करके इस कार्यक्रम में उपस्थित मौला नसीब साहब जिन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, हमारे युवा दोस्त जिशन देशमुख, अमन देशमुख, पूरी देशमुख फैमिली मंच पर उपस्थित सब मान्यवर जिनको जिनको स्कॉलरशिप मिले, सब बच्चे बच्चियां और भाइयों बहनों, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। बहुत सारी बातें इन्होंने सबने कही है, आधी बातें बच्चों के सर पे से गई होगी, मेरी बात सर पे ज़्यादा नहीं जाना इसलिए बहुत कम बोलूँगा। मैं थोड़ा मराठीत बोलतो जरा म्हणजे मला मोकळं बोलता येईल। गलती से एखादा लब निकल गया तो हमारे को पकड़ लेंगे, वो सोशल मीडिया वो उस पर चलाते रहते, फिर वो आगे का पीछे का छोड़ देते, वो बीच में का पकड़ लेते। मित्रांनो, तुमचा फार वेळ मी घेणार नाही, परंतु या एकता एज्युकेशन सोसायटी आणि मुकिम देशमुख फॅमिली यांना मी धन्यवाद देतो की एज्युकेशन फील्डमध्ये खूप चांगले कार्यक्रम होतात, मोठमोठी पारितोषिके बक्षीस दिली जातात, लेकिन वो कब देते? MBBS होने के बाद या डॉक्टर होने के बाद या फिर एडवोकेट होने के बाद, बहुत बड़ा आदमी बनने के बाद। लेकिन बड़ा आदमी बनाने के लिए जिसकी जरूरत है वो जरूरत ये ट्रस्ट पूरा करता है, इसे मुझे ज़्यादा खुशी है। मित्रांनो, खरं तर आज मला आनंद वाटेल की देशमुख फॅमिलीला मी धन्यवाद देतो। 1 लाख रुपयापासून सुरुवात केली, यावर्षी 50,000 रुपये वाढवले। आमच्या मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळातर्फे 2 गोष्टींची घोषणा मी आज इथं करतो। 1 तो हर साल हमारे ट्रस्ट की तरफ से 50,000 रुपये दिए जाएंगे इसको, और दूसरा ये एजुकेशन एकता एजुकेशन सोसाइटी और मंच पे उपस्थित जो भी मान्यवर है उनको मैं विनती करूंगा, 10वीं में मुस्लिम समाज के सबसे अच्छे मार्क पाने वाली लड़की और सबसे अच्छे मार्क पाने वाला जो बच्चा है उसका ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन हम फ्री में कर देंगे। हमारे इंस्टीट्यूट में 1 फार्मेसी कॉलेज है, 2 इंजीनियरिंग है, 2 पॉलिटेक्निक है। इस साल हमने 1-2 साल पहले माइनॉरिटी के बच्चियों के लिए शेख अहमद साहब उर्दू तो कॉलेज खोला है हमने हरसूल में, मालूम है कि नहीं आपको? मालूम नहीं मुझे, मुझे खुशी इस बात की है वहाँ पे अभी 800 माइनॉरिटी की लड़कियाँ वो उर्दू स्कूल में उर्दू कॉलेज में पढ़ रही है। BA की फर्स्ट बैच हमारी बाहर निकल गई इस साल। आज जितना भी अमाउंट जैसा निसार भाई ने कहा या जयसवाल साहब ने कहा, अमाउंट छोटी होगी लेकिन तेवढ्या पैशांनी त्याचा उत्साह वाढतो, उसमें जोश आता है। 1,000-1,500 उसका कुछ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 1,000-1,500 मिलने के बाद वो अगले साल कम से कम 10% ज्यादा मार्क लेंगी लड़कियों। अगले साल में अपने को यही फंक्शन में आना है। कुछ बातें निसार भाई ने कही, कुछ बातें हमारे जयसवाल साहब ने कही, लेकिन जयसवाल साहब तुम्ही इतने डेरिंग नहीं बोल ले, ते प्रैक्टिकल मध्ये पण करायला पाहिजे। तुम जो बोली, जितने चीज बोले आपने वो उसको काय म्हणतो त्याला, प्रत्यक्षात जर का केलं अर्ध्या शाळा बंद होतील, अर्धे स्कूल बंद हो जाएंगे। मी तर म्हणतो त्या गोष्टी, शाळांचा उल्लेख तुम्ही केला, उर्दू शाळा, उर्दू संस्था,
एक अल्पसंख्याक समाजातील मान्यवरांचं शिक्षण क्षेत्रात काम करण्याचं करणाऱ्या लोकांचं एक शिष्टमंडळ करा तुम्ही, 5-6 जणांची कमिटी, आणि त्यांना सगळ्यांचं इन्स्पेक्शन करायला लावा आणि या मुलांना कळू द्या कुठली शाळा चांगली, मग ते सांगतील की एकता एज्युकेशन सोसायटीची शाळा चांगली आहे म्हणून. कारण या मुला मुलींना काय माहीत नसतं कुठल्या शाळेत ॲडमिशन घ्यायचं. उनके बाजू जो टीचर रहता है वो लेके जाता सबको अपने स्कूल में. जिस लड़की को साइंस को जाना चाहिए उसको इलेवंथ आर्ट्स को एडमिशन देता है उसके उसके स्कूल में बच्चे नहीं इसलिए. और जिसको आर्ट्स में चालू जाना आर्ट्स में जाना चाहिए वो टीचर उसके बाजू का रहने वाला साइंस का रहता है वो तो साइंस को लेके जाता है. गवर्नमेंट ने अभी स्किल डेवलपमेंट शुरू किया है, मुझे खुशी है. ये जे स्किल डेवलपमेंट है ना अपने मुस्लिम मुलांच्या जन्मजात रक्तातच आहे, त्यांना स्किल शिकवायची गरज नाही. फक्त यांना फॉर्मल एज्युकेशन दिलं पाहिजे. स्किल तर खूप आहे यांच्याकडे. इंजिनियर व्हायच्या लायकीचे लोक आहेत. ज्या जिस चीज को कोई इंजिनियर हात नाही लगाता, हमारे देवगिरी कॉलेज के बाजू के मैकेनिक ने दुरुस्त करके दिया, वो मुस्लिम है. दो दो इंजिनियर आके वो गाड़ी चेक कर गए, उसको नहीं समझा. वो सादा मैकेनिक में बोला क्या, उसको पूछा क्या पढ़ा है तू, 10वीं नापासून साहब बोले. मैं म्हणजे सांगण्याचा हेतू असा की मुस्लिम मुलांमुलींमध्ये जेवढं स्किल आहे ते स्किल फक्त फॉर्मल करायची गरज आहे, आणि या स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून या ट्रस्टच्या माध्यमातून त्यांना चांगल्या प्रकारचं शिक्षण मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. मुलींबद्दल सांगण्यात आलं म्हणजे जहां जहां जाता हूं 80% लड़कियों को बक्षीस मिलते. 80% लड़की आहे. बहुत सारे उर्दू स्कूल में मैं जाता हूं, 80% टीचर है लड़कियां ही है. जब तक लड़कियां नहीं सीखेंगी घर नहीं सीखेगा. और जितने लड़कियों को आप पढ़ाएंगे उतना वो घर सुधर जाएगा. आज इतना ही मैं आपसे विनती करता हूं, इस एजुकेशन स्कॉलरशिप के माध्यम से जब भी हम दिल्ली जाएंगे या बंबई जाएंगे, एखादी लड़की एखादा लड़का मेरे सामने आना चाहिए कि साहब वो एकता एजुकेशन सोसाइटी के वो कार्यक्रम में मुझे 1,500 रुपये स्कॉलरशिप मिली थी, आज मैं दिल्ली का पुलिस कमिश्नर हूँ, आज औरंगाबाद का कलेक्टर हूँ, ऐसा जब शान से बोला जाएगा तो वही सबसे सक्सेसफुल इस एजुकेशन सोसाइटी का काम होगा ऐसा मैं मानता हूँ. आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको सबको धन्यवाद देता हूँ और आपकी अपराजा लेता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.